क्या बोल रहे बॉस? भीड़ नहीं है बोला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ब्लॉग जो है लेट स्टार्ट हो रहा है और हम अभी फ़िलहाल तो चौक के मेन मार्केट में एंट्री लेने वाले हैं। तो और आकिब भाई जो है हमसे छुप रहे हैं कैमरे से, तुम कैमरा शायद पर्सन तो है नहीं फिर भी, तो अब मार्केट दिखाते हैं आपको। जितना ट्रैफिक देखे थे गाइस उससे बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है माशाल्लाह। हाथ हर साल बस वहाँ गाड़ी लगा दो कहीं फिर वहाँ मुश्किल है। अपन पीछे से आने की बात की, पार्किंग तो मुश्किल है यहाँ पे मिलना। तो माशाल्लाह से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये है हमारे आकिब भाई और दूसरा हमारा बंदा है ये है अवेश, ये है हमारा अवेश। तो और जो है सो ये हूँ मैं, तो अभी ये चाय पीने के बाद देखेंगे सब। हमारे अवेश साहब को आज लेना है टोपी, तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप टोपी की खरीदी करेंगे फिर उसके बाद आकिब भाई है यहाँ पे, आकिब भाई को अगर कुछ लेना है तो अपन इंशाल्लाह ले लेंगे। अरे यार चिकन बर्गर ऑरेंज वाला खाना इट्स नॉट बैड। कितने हो गए? आपका क्या रिव्यू है? शक्कर कम है। आपका क्या रिव्यू है? चाय खराब। 2:30 बजे भी सेम पब्लिक है भाई, सेम पब्लिक, कुछ नहीं। The next morning. So, अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैं जैसे कि आपने देखा है कि कल मैं बहुत लेट आया था, लगभग 4:30 बजे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 7 बजे और शायद 8 बजे जमात है ईदगाह पर। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं और मिलते हैं आपको रेडी होकर। मैं जस्ट अभी उठाऊँ बट
मैंने ब्रश कर लिया है और अभी नहा कर फ्रेश होके ईद के कपड़े पहन के और सुरमा और माला लगा के मस्त तैयार होके मिलते हैं कुछ सेकंड्स में। सो गाइस अभी रेडी हो चुके हैं और वक्त हो चुका है जाने का ईदगाह के लिए। और मैं जैसे आउटफिट देख सकते हैं आपके, मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं यहाँ फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगा क्योंकि मैं यहाँ बता नहीं सक रहा शायद जिस तरह से मैंने ईद का आउटफिट लिया है। तो फ़ोटोज़ देखिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और खुश रखिए ज़िंदगी में। वैसे बहुत कम खुशियाँ ऐसे आती हैं जैसे कि रमज़ान हो गया, रमज़ान ईद हो गया, फिर बाद में बकरीद हो गया। तो अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, ख्याल रखिए कि लोगों को लोगों का ख्याल रखिए, वो लोग मतलब जो लोग गरीब हैं उनकी मदद कीजिए और खुश रहिए और खुश रहिए।